सत श्रीकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं विप्रो में जो हायरिंग चल रही है एसोसिएट और प्रोसेस एसोसिएट के लिए। टेलीफोनिक आपका इंटरव्यू रहने वाला है, साइड एज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर देता रहिएगा ताकि मोटिवेशन बनता रहे और मैं आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी और वीडियोस लेकर आता रहूं। दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे दोस्तों अगर मैं बात करूं जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो अपना सबसे पहला आपका जो काम रहने वाला है दोस्तों, वो है आपने हैंडल करना है क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को विद इंटीग्रिटी एंड सेंसिटिविटी, मेक श्योर उनका जो डाटा है वो लीक ना हो। सेकंडली दोस्तों इन्होंने स्पेशली कहा है कि आपने एस्केलेशन करनी है क्लाइंट्स की तरफ से, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आए अगर वो आपको कह रहे हैं कि भाई हमारा आगे एस्केलेट करो, तो उसको भी आपने मेक श्योर जो एस्केलेशन हो रही है उनको भी आपने टाइम टू टाइम उनकी जो क्वेरीज है उनको करना है सॉल्व। अब इसके अलावा दोस्तों जॉब क्राइटेरिया की बात करो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंग्लिश आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो। सेकंड दोस्तों आपको गुड डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो मेक श्योर क्वालिफिकेशन आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना अगर इन क्वालिफिकेशन में से आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हो। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड दोस्तों अब जो क्या क्या किन चीजों में होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, एमबीए फाइनेंस, उसके अलावा पीजीडीएम फाइनेंस, एमकॉम, और वो भी रेगुलर अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। फोर्थ दोस्तों इन्होंने स्पेशली कहा कि जो मैंने आपको ऊपर बताया गया है क्वालिफिकेशन, उनमें से अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो ही आप इस जॉब के एलिजिबल होते हो। अब जॉब लोकेशन की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने स्पेशली कहा कि वो दिल्ली, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपको सैलरी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करी है, पर आपको सैलरी के साथ दोस्तों प्रोमिनेंट फंड प्लस ईएसआई और बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स, और इसके साथ एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आपको वन साइडेड कैब भी मिलने वाली है अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हो और साथ ही सिलेक्ट होते हो। दोस्तों एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो फ्रेशर्स या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोनों लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको 24/7 रोटेशनल शिफ्ट्स यहाँ पे मिलने वाली है, वर्क एनवायरमेंट आपको काम करना पड़ सकता है। और इन्होंने स्पेशली कहा है कि आपको इसमें नाइट शिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, तो जो लोग नाइट शिफ्ट्स के लिए रेडी है वो इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा। सेकंडली दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहने वाली है, वन साइडेड कैब आपको मिलेगी। थर्ड दोस्तों 5 डेज वर्किंग रहने वाला है और 2 रोटेशनल आपको वीक ऑफ मिलने वाले है। फोर्थ और दोस्तों लास्ट बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिलने वाले, जैसे कि जिम हो गया, गेमिंग एरिया हो गया, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कंपनी की तरफ से अगर आप सिलेक्ट होते हो। अब लास्ट में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सको, तो देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बोलने वाला हूं कि अगर आपके एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है इंग्लिश के अंदर, चाहे वो स्पोकन या रिटन दोनों होने चाहिए, तो ये आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होगे। तो अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं आपको डायरेक्ट एचआर का नंबर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एमएनसी विप्रो है, और मुझे लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट आपको नंबर दूंगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिना मतलब से एचआर को कॉल करते हो। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपकी साइड डेज मैच करती है, आप एलिजिबल हो, तो आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मुझे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इंस्टाग्राम पे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है मैं आपको एचआर का नंबर दे दूंगा, और फिर आप उनसे बात करके टेलीफोनिक इंटरव्यू अपना करवा के उनको रिज्यूम अपना भेज सकते हो। और जो रिज्यूम का दोस्तों ईमेल आईडी है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट एचआर के नंबर के लिए अगर आपने टेलीफोनिक इंटरव्यू उनसे करना है और आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके जो एचआर का नंबर ले सकते हो। होप करूं कि आपको साइड अच्छे समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करेगा, और पसंद आए तो शेयर करेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेरी हो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।